चलो बाय बाय शंभू लॉज। इतनी खूबसूरत जगह जिसको छोड़ के जाने का मन नहीं होता है। अब और भी अच्छी एक और जगह जाएंगे अब इसके बाद। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं राजेश जी के कॉटेज पे आगे। चलिए सर। चलिए जी। खूबसूरत रूम है जहाँ पर रात में मैं रुका था। और हालांकि टेम्परेचर बाहर बहुत माइनस में है पर अंदर काफ़ी गर्मी है क्योंकि रात में बॉन फायर था, हीटर था, केटल है। और 8:30 बजे नहा लिया हूँ अभी मैं सुबह सुबह। राजेश जी कैसे हैं? मुझे नमस्कार जी। पता था आप आने वाले हैं। तो और कैसे? अच्छा रूम, खूबसूरत रूम। सबसे पहले ये बताइए कि आपको रात को नींद कैसी आई? नींद बहुत अच्छी आई। मैं अभी यही बोल रहा था उसमें कैमरे में भी कि नींद बड़ी कमाल आई। बाहर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है पर अंदर गर्म रहता है काफी, क्योंकि आपने पूरा वुडन बनाया है तो कमाल है काफी कुछ सर। ये फिर हम ये बाहर जा रहे थे, सबसे पहले बाहर निकलते कैलाश के दर्शन कर लें। वांटी जी कैसे हो? सर आप कैसे हो? ये सामने कैलाश पर्वत है, रूम से बाहर निकलते ही कमाल है। बहुत खूबसूरत जगह बसाई हुई है। इस जगह का नाम क्या रखा है अभी? इसका नाम रखा है सर रघुनु रक्षम रिट्रीट। रघुनु रक्षम रिट्रीट, RRR भी कह सकते हैं। RRR। तो अभी फिल्म भी आने वाली है जो बहुत बड़ी फिल्म है, पर हम लोग अभी इसलिए आप लोगों की कॉटेज भी बहुत बड़ी। क्या बात है, ये किन्नौरी टोपी है। हाँ सर। मैं देख तो तो क्या ये? हाँ ये ताज है सर। हाँ ये ताज कह रहे हैं भैया हमारे छोटे भाई। एक्चुअल में ये जो पार्ट है ये यहाँ बेड के ऊन के से बनता है, ठीक है सर। अच्छा। बेड का जो ऊन होता है ना, बाल होता है, जो बेड का बाल हेयर होता है। हाँ हाँ। उसके तो ये सबसे पहले तो मैं बीच में काट के बता रहा हूँ कि ये जो है टोपी, ये बहुत एक रिस्पेक्ट है जो यहाँ पे दी जाती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी जो मुझे बात छुई वो ये है कि ये बहुत सजा के लाई गई है, बहुत दिल से सजा के। कुछ इसके अंदर ये क्या लगाया गया है? ये सर फूल होता है, ये एक हार्ड एक मतलब एक बेल होता है, और ये फूल यहाँ पे नहीं मिलता है। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी कांगड़ा साइड वहाँ पे मिलता है, ये यहाँ का नहीं। थैंक यू मोंटी भाई। वाह जी वाह। और ये छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत दिल को छू जाती है, जैसे आपने ये फूल कहीं से मंडी से लाके लगाया है। इसके अंदर ये रूम के बाहर ये सिबेथॉर्न लगा रखा है प्यार से, जिसकी चाय पहले भी पी चुके हैं। ठीक है सर, तो चलते हैं अभी। अच्छा अभी अपन कहाँ सामने जा रहे हैं? सामने जाएंगे, ये भी हमारे खूबसूरत जगहों में से एक है। हाँ जी हाँ। क्या बनाया खाने में? चिल्टे बोलते हैं यहाँ का मुख्य ये फसल, यही है चिल्टा। हाँ जी। और ओगला का चिल्टा, ओगला का चिल्टा, सरसों का साग। सरसों का साग बनाया यहाँ? होता है क्या सरसों का साग? होता है जी, अपने सब्जी सब्जी की लाइक। आपका बर्तन भी बहुत अच्छा है। तो क्या बर्तन? किन्नौर का, किन्नौर का बर्तन है ना। मैं भी जब बम्बई जाऊंगा ऐसा बर्तन लेके जाऊंगा। रामपुर से लेके जाना है, वहाँ सस्ता मिलता है रामपुर में। यहाँ पे एक फेस्टिवल रहता है, तो क्या कहते हैं कि गांव के लोग यहाँ से ऊपर बैकसाइड जाते हैं, फूल लेके आते हैं यहाँ से, फ्लावर फ्लावर लेके यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो लेडीज और जेंट्स दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है। अच्छा, इस जगह पे इस पानी के बीच में? इस पानी के बीच में। तो इसमें ये देखते हैं कि कौन कितना धक्का मार सकता है, मतलब एक कंपटीशन रहता है लड़के लड़कियों के बीच में। अच्छा। कई बार लड़के जीत जाते हैं, कई बार यहाँ की लेडीज जीत जाते हैं। मतलब धक्का कैसे मारते? जैसे पानी से खेलते हुए आपको उठा के आप बीच में आ गए, आपको लाइन क्रॉस करने नहीं देंगे। जैसे गर्ल्स एक तरफ, बॉयज एक तरफ। अच्छा, गर्ल्स एक तरफ, बॉयज एक तरफ। तो गर्ल्स चाहेगी कि वो क्रॉसिंग करे और उस तरफ को बॉयज को पीछे की ओर धकेले, और बॉयज चाहेगा कि गर्ल्स को पीछे की तरफ धकेले। अच्छा, ये मतलब ये नदी पार करने नहीं देनी दोनों को एक दूसरे से। फिर इन दोनों के बीच में फिर पानी से इनका खेल शुरू।
अलग होता है और जो इनर है वो इनर है। ये इसे धुमग्यूर कहते हैं, धुमग्यूर धुमग्यूर धुमग्यूर। तो ये जितना ये घूमेगा हाँ, तो इसका जो हवा का कांटेक्ट रहेगा, जो मंत्र है हाँ, ऐसे मंत्र उच्चारण इसमें किए हुए थे, आप देख रहे हो ये इस पे मंत्र लिखे हुए हैं हाँ। तो जब ये रोटेशन में घूमेगा हाँ, हवा के कांटेक्ट पे इनका मानना है कि ये जो मंत्र है वो पॉजिटिव फीलिंग लाएंगे हाँ, हाँ, मतलब पॉजिटिवनेस ज्यादा आएगी हाँ, हाँ, और इसको क्या किया है, आपने देखा होगा हम हाथ से घुमाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये चक्के लगा दिए, देखो आप पानी का चक्का देख रहे हो ना हाँ, 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 लक्कड़ के जो लगा हुआ स्टोन हाँ, वो पानी वहां से आएगा इस पे प्रेशर देगा और ये धुमग्यूर अपने आप घूमता रहेगा और ये बेल बजती रहेगी उससे, बेल बजती रहेगी। तो इससे क्या रहेगा कि पूरा पॉजिटिवनेस जो इनका मानना है धर्म के हिसाब से हाँ, तो आपको नेगेटिव फील नहीं आने देगा। अच्छा, जैसे जैसे मंत्र गोल घूमेंगे ऐसे ऐसे ही वो पॉजिटिविटी फैलाते रहेंगे। कॉफी है चिल्टा नहीं खाना? चिल्टा बाद में खाते, पहले कॉफी पीते। चिल्टे के साथ खाओ, चिल्टे के साथ कॉफी, हमारा नदी बहुत अच्छे है। और स्पेशली आपके चिल्टे बहुत ही ज्यादा अच्छे है, यहाँ का मुख्य फसल। सर के पास बहुत बढ़िया कॉफी बनाई आपने, आप लोग। अच्छा, ये चिल्टे को चिल्टे कॉफी के साथ, देखो चटनी है इसमें थोड़ा सा, बाकी आप खाओ, मैं तो एक टेस्ट करना है खाली। आप ले लाए पूरा एक खाना, एक पूरा खाना, तो सब लोग मिलके खाते ना। ये आप खा लो ना, इनके लिए यहाँ है, ये आपके लिए सर, ये है तिब्बत के ना, हम नहीं, बस 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 थोड़ा खाए, एक बाइट और लेता हूँ। ये लो सर, ये खा लो, ये पूरा बेसिकली तिब्बत से सर। हाँ हाँ, दादा दादी आए हुए हैं, दादा दादी आए हुए हैं, जन्म यही है, दादा दादी आए हैं, यहाँ बुद्ध मंदिर था, बुद्ध मंदिर में सेवा भी किया उन्होंने, फिर यहाँ पे देवता जी ने इनको यहाँ पे बसाया, यही के रक्षम के है। ओ, जन्म यही है, जन्म यही है, अब रक्षम के है, अब तिब्बत छोड़ दिया हुआ, छोड़ दिया क्या जाने ने कहा देते हैं हमला हो गया। खूबसूरत जगह पे पैदा हुए हो आप तो, अभी तो क्या गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। रोड बंद होता है तो कितने दिन के लिए बंद होता है? 7-8-10-15 दिन, 10-15 दिन रोड बंद हो जाता है, और कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकती होगी तब तो। छोटी गाड़ी तो नहीं आती, फिसल जाते हैं वहाँ थोड़ा, वो है चिड़ाई। राजू जी, मेन रोड भी बंद हो जाता है क्या? मेन रोड 10-12 दिन 15 दिन, हाँ, अगर हैवी स्नोफॉल हो गया तो 4-5 दिन बंद रहेगा हाँ। फिर वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसको फिर क्लियर कर देता रोड। और सबसे लंबा यहाँ पे स्नोफॉल कितने दिन तक लगातार हुआ है? यार मैं तो कह नहीं सकता, 2013 में हमने देखा था, मेरे को एक टाइम में 4-4 फुट बढ़ गया था बर्फ, बिल्कुल पैक हो गया था। और उस वक्त तो शायद हमने 18 दिन, हाँ 18 दिन हमने लाइट देखी नहीं, बिजली थी नहीं, पर वो लाइफ भी ठीक था, वो पुराने फिर उस वक्त आ जाता था हाँ। कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ वो लैंप जलाओ अपना और वो फील लो। क्या दिखा रहे हो? खड़ी दिखाऊंगी, चलो जी आप। अरे वाह, अच्छा ये कारपेट आपने बनाया हुआ है, ये वाला अभी बना रहे हैं। अरे गजब, गजब का खूबसूरत है और गजब की खड़ी है, बहुत खूबसूरत बनाई है। तो कोई नहीं जी, तारीफ करने के लिए थैंक यू। इस बार तो आप बहुत ही सुंदर रंग लेके आए हो उनके। जैसे हाथ से स्वेटर बनाते हैं ऐसे ये मोटी सिलाई से और मोटे से कारपेट बनाते हैं, पूरे दिन की मेहनत करके 1 इंच बनेगा, 12 दिन में 1 फीट बनेगा, 12 पूरी सर्दियों में उन्होंने बताया एक कारपेट बनता है, मतलब 3 महीने लग जाता है।
साफ सुथरा बना दिया, कमाल का हो गया ये तो। चलिए आप आराम कीजिए, मैं बहुत समय ले लिया आपका। तो यहाँ पर अभी एक सरकारी फार्म है, ट्राउट फिशिंग होती है जहाँ पर, और वहाँ पे हम लोग होटल के लिए फिश लेने जा रहे हैं। और कैसे होती है ट्राउट फिश की फार्मिंग, फ्रेश वाटर की सबसे फेमस फिश है ट्राउट फिश। गवर्नमेंट की तरफ से भी प्राइवेट लोगों को भी परमिशन मिली है ट्राउट फिश की ब्रीडिंग और फार्मिंग के लिए। और अभी जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वो गवर्नमेंट का ही फार्म है, और किस्मत अच्छी रही तो गवर्नमेंट वाले फार्म भी देखने को मिल जाएंगे। गेस्ट तो मांगता ही होगा ट्राउट फिश इस एरिया में आके। उधर बरोत वगैरह साइड में और मनाली वगैरह साइड में भी ट्राउट की बहुत है फिशिंग का। अच्छा, प्राइवेट के जितने फार्म्स हैं वहाँ पर ट्राउट फिश मिलती है 1000 रुपये किलो, और जो सरकारी फार्म है वहाँ पर 500-600 रुपये किलो में मिलेगी। देखते जान पहचान के। हाँ जी नमस्ते। अच्छा इनको भी पहचानते हैं? अरे यहाँ लिखा भी है ट्राउट फार्म सांगला, लिखे है ना कहीं। ये जो है फिशरीज डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे ट्राउट फिश जो होती है उसकी फार्मिंग होती है, ब्रीडिंग होती है, और ये सरकारी फार्म है। अंदर जाके देखेंगे कि कैसा होता है। इसके अंदर से फ्रेश वाटर बहता रहता है, ऐसे कुछ टैंक्स बनाए हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, और बीच में ट्राउट फिश की ब्रीडिंग है। अच्छा, अभी यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन ये वाला होता है फिश का, 4 महीने का होता है। जैसे समुंदर के अंदर तो वो बरसातों में होता है, बरसात में है ना, जुलाई अगस्त में होता है। यहाँ पे दिसंबर जनवरी होता है, नवम्बर से फरवरी तक। ये कैसे काम करता है मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? अंडे देते हैं बाहर, अंडे उसमें से कट्टे करते हैं आप? हाँ देखते हैं, चेक करते हैं कौन से आ रहे हैं। अच्छा, चेक करना पड़ती है, बड़ा ऐसे नहीं लग रहा है बता भाई कौन है तैयार है, क्योंकि तैयार कर सकते हैं अंडे तो अंदर ले आ रहे। एक बार मुझे मेल और फीमेल बता दीजिए ना, कैसे होता है, मैं ये मेल है वो फीमेल है करके। ये जो उछल रही है सब मछलियाँ हैं क्या? मछली है। तो इसके अंदर कितनी मछलियाँ होंगी? 6-7 हज़ार। उधर वाला खाली छोड़ा हुआ है उस तरफ, साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के। एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से बह जाता है, हाँ, ताकि वो फ्रेश वाटर फिश है ना। तो आपको पता कैसे लगता है ये मेल है और ये फीमेल है? मेल का और फीमेल का लगने का, मेल के मुंह में हुक होता है, मेल के हुक जैसा होता है। अच्छा, मेल के मुँह में हुक जैसा होता है, और फीमेल का मुँह उसी का साफ होता है। अच्छा, फीमेल सुंदर होती है? सुंदर होती है, और मेल मूछ वाला होता है। हाँ, वो आप सुबह बता रहे थे ना भालू के, भालू कैसे यहाँ पे भालू है? हाँ, भालू दिखता ही दिखता है उस वाले रीजन में, आप जाओ तो भालू आपको। अच्छा, इसका मतलब तो बहुत सारे भालू होंगे। भालू ऐसे अटैक नहीं करता कभी भी। हाँ, अगर भी हम यहाँ जा रहे हो ना, हाँ, भालू अगर वहाँ पे भी होगा तो भी वो अटैक नहीं करेगा, वो अपना निकल जाएगा। दिक्कत तब आएगी जब बिल्कुल अचानक कर्व पे आ गए। अच्छा, आमने सामने। हाँ, तो जब उसके पास भी ऑप्शन नहीं रहता कि वो भी सोचता कि लड़ना ही है, तो उसको लगता है कि ये उसके लिए खतरा ना, यहाँ तो वो अपने बच्चों के साथ होए तब खतरा। बच्चों के साथ भाभी है। अरे नमस्ते, चलो बैठो, चलो बैठो। आपके जीजा जी है मतलब? भैया है, भैया है।
थैंक यू, पानी पीने। हाँ चलेगा, गर्म करूँ? नहीं नहीं चलेगा, सील गर्म करके दिला। नहीं नहीं ठंडा चलेगा, मुझे बीमार हो जाएंगे। नहीं चलेगा। बढ़िया घर है बहुत, और ऐसे घर ना गर्म रहते। पूरा लकड़ी का है ना, बहुत सुंदर घर है आपका। क्या सुंदर है, क्या अच्छा है? नहीं नहीं बहुत बड़ा है, इसको आप छोटा बोल रहे हो। कितना छोटा है भैया, आपका मन सुंदर है भैया। आपका घर सही में बहुत, हमारे यहाँ बॉम्बे में आप देखोगे ना तो इस आपका मन सुंदर है ना, तब सुंदर दिख रहा है भैया। कढ़ी चावल? हाँ जी बहुत ही बढ़िया है, कढ़ी चावल तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं मैं अभी खा लूंगा हाथ से। नहीं नहीं चम्मच लाऊंगा। नहीं चलेगा मुझे। आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे ये क्या, चूल्ली का तेल? चूल्ली का तेल क्या होता है? वो बादाम का, जो आपको गुठी दिखाई थी ना, जो सुखाने अच्छा के लिए होता है। थोड़ा सा डाल दे। हाँ। नहीं, जो मैंने आपको, बस 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 बहुत सारा आ गया। नहीं जो मैंने ये कढ़ी के साथ अच्छा लगता है भैया, थोड़ा और लगाऊं? नहीं बस ये तो बहुत सारा वैसे ले लिया मैंने। नहीं जी नहीं। वाह जी वाह, कढ़ी चावल जबरदस्त। कढ़ी का कलर देखिए, पानी आ रहा है मुंह में, बहुत अच्छा है। ये उसकी छाछ की बनाई कड़ी। हाँ जी अच्छा। नहीं अच्छा है, क्या अच्छा लगेगा? नहीं गाढ़ा भी है, इतना गाढ़ा बहुत अच्छा है। पीते हैं वैसे ये भी, गांव से मैं करता हूं, राजस्थान का हूं। मजे से खाना वो, मैं तो अच्छा। बहुत अच्छा खाया आज, अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ भी नहीं होगा, आपको दूं? है ले ले लो लो लो, अच्छा नहीं लगा होगा? नहीं इससे तो बहुत ही अच्छा है, क्या लगेगा? नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा लगा नहीं भैया को अच्छा लगेगा। सर आप ले लो, थोड़ा और ले लो। नहीं ऐसा अच्छा लो, इसके साथ अच्छा लगेगा आपको। पहले का भी है, तबीयत खराब नहीं करेगा? नहीं नहीं बस खा लिया, बहुत ही अच्छा। नहीं दीदी अचार भी दे दो थोड़ा सा। गंदा कर दिया आप, पीरो सुबह जी जा जी गंदा करके चले। बहुत बर्फ पड़ती है यहाँ तो, मेरे साथ पड़ती है। फिर हम लोग तो गाय के साथ यही। हाँ यहाँ मेहनत बहुत है, दो बछड़े हैं, कुत्ता है, बहुत है यहाँ खचम पचम चीजें। मेहनत भी बहुत है, जा नहीं पाते हैं भैया। आप लोग ऐसे यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और फिर मेहमान आ गए तो और ज्यादा मेहनत होगी। मेहमान तो हमारे, क्या क्या मेहमान है, आप लोगों को ऐसे ही टरका रहे हो। मैं तो पहले भी, इन्होंने आज सुबह ही पहने। नमस्ते। नमस्ते जी। अब हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या करेंगे, कुछ मत करो। अरे वाह, आप कुछ मत करो, ये आपका सेवा होगा। हाँ ये हमारा माला है। अच्छा दीदी यहाँ पे कोई आता है ट्रेडिशन में तो ये टोपी पहनाते हैं? हाँ जी, आपका स्वागत के लिए, ताकि दोबारा भी आ जाए। हाँ फिर दोबारा भी आना पड़ता है उसके लिए। अरे घूमने को जब दोबारा आएंगे फिर आना। हमारे यहाँ रिस्पेक्ट ही हमारा यही है जी। किनोरा बन गए वे, किनोरा बन गया वो वाला फिट हो गया तो दम तो करे। मेरे कौन सा वाला फिट था? ये फिट है, बहुत सुंदर आपका तो, आपका आपका है। थैंक यू। हमको भी ले आए आप तो, और हमारे ऊपर भी। ये तो फिर संजोग ही होता है, ऊपर से संजोग बना होता है। आपका मेरे सिस्टर से आपका मिलन था अभी, मिलना था। जरूर जरूर, फिर आना हो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई किन्नौरा बन गए इधर। अच्छा लग रहा है, टोपी अच्छी लग रही है। बड़ा स्वागत हो गया मुकेश जी के ससुराल में। तो देखो भाई किन्नौर के लोग कितने अच्छे होते हैं, क्या कमाल का स्वागत होता है यहाँ पर। रैंडमली मिले और घर में फटाफट खाना भी बन गया।
जन्नत में ले आया। आज तो आपने पूरा कल्चर दिखा दिया इधर का। आज सही किन्नौर दिखा दिया आपने। ये हिंदुस्तान के गांव है जहां पर सही में लोगों का इतना बड़ा दिल और ऐसा स्वागत, प्यार, इतना प्यार हिंदुस्तान में मिलता है। मेरे पास तो मुकेश जी इतनी सारी टोपियां हो गई अभी। चलो मोबाइल से ले जाओ। खूबसूरत जगह है और खूबसूरत लोग हैं, प्यारे लोग हैं। आज रक्षम के अंदर मेरा आखिरी दिन है और यहाँ से वापस जाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है। ऐसा लगा कि यहाँ पर पूरी एक जिंदगी जी है मैंने, यहाँ के लोगों से बहुत अपनापन पाया है। सभी लोगों के अंदर मुझे शिव की मूरत नजर आई, शिव जी का ही भोलापन नजर आया, उनका प्रेम, उनकी सादगी नजर आई। ये कड़ी के साथ अच्छा लगता है भैया। ये लोग बहुत ही सच्चे और सीधे लोग हैं। ऐसा लगा कि शिवजी ने खुद ने अपने गणों को भेजा कि उनके भक्त की देखरेख में कोई कमी ना रह जाए, और उन गणों में से ही कई बार मुझे शिवजी नजर आते थे। मैं यहां से वापस तो जा रहा हूं, पर ये पक्का है कि मैं यहां पर लौट के बहुत जल्दी आऊंगा।